नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है किशनगंज जीके ग्रुप में। आज 22 मार्च 2020 है और आज की करंट अफेयर्स की वीडियो आपके सामने। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लें। और अगर यह वीडियो टिकटॉक पर देख रहे हैं तो हमें टिकटॉक पर फॉलो करें। और आज की करंट अफेयर्स की PDF फाइल को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने 200 ml हैंड सैनिटाइज़र की कीमत कितने रुपए की है। आपके पास 3 सेकंड का ऑप्शन है आंसर देने के लिए। इसका आंसर है 100 रुपया। अब यह घोषणा केंद्रीय उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री रामविलास पासवान जी ने किया है। अब बात करते हैं यह कब तक लागू होगा। यह 30 जून 2020 तक लागू होगा और 12 फरवरी 2020 तक जितने भी मूल्य थे उसी मूल्य पर सैनिटाइज़र और मास्क को बेचा जाएगा। अब बात करते हैं, सैनिटाइज़र 200 ml की कीमत 100 रुपये फिक्स कर दी गई है और मास्क में 2 परत सर्जिकल मास्क की कीमत 8 रुपये और 3 परत सर्जिकल मास्क की कीमत 10 रुपये की गई है। इस फैसले के बाद लाइफ बॉय ने अपने सभी ब्रांड पर 15% दाम कम कर दिया है और FMCG HUL नामक बड़ी कंपनियों ने भी अपने सभी प्रोडक्ट्स जैसे कोरोना वायरस से जो लड़ सकते हैं उस पर कमी की हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रदीप कुमार बनर्जी का निधन हुआ, वे कौन थे। आपके पास 3 सेकंड का ऑप्शन है आंसर देने के लिए। इसका आंसर है, ये महान फुटबॉलर थे। अब बात करते हैं प्रदीप कुमार बनर्जी। प्रदीप कुमार बनर्जी ने भारत का प्रतिनिधित्व 3 बार एशियाई खेलों में किया था और 2 बार ओलंपिक में किया था। इसके साथ साथ 85 मैच खेले थे जिसमें 76 गोल किए हुए हैं। अब बात करते हैं प्रदीप कुमार बनर्जी को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। प्रदीप कुमार बनर्जी को 1961 में अर्जुन पुरस्कार मिला है, 1962 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले टीम के सदस्य भी रह चुके हैं, 1990 में पद्मश्री मिला है और 2004 में फीफा के द्वारा सर्वोच्च सम्मान फीफा ऑर्डर ऑफ मेरिट के नाम से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं प्रदीप कुमार बनर्जी की। प्रदीप कुमार बनर्जी भारत के महान खिलाड़ी एवं राष्ट्रीय टीम के पूर्व कप्तान थे और इनकी 83 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। इनको सीने में संक्रमित एक नामक बीमारी थी जिसके कारण इनका निधन हुआ। इनका जन्म स्थान जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में हुआ था। आज के वीडियो का टारगेट है 100 लाइक, 100 शेयर और 100 कमेंट्स का, ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से वीडियो बना सकूं और भी अच्छे कंटेंट्स के साथ आपको वीडियो के एक एक पॉइंट्स को बता सकूं, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपको सहायता मिल सके, ताकि आप और भी ज़्यादा अच्छे नंबर से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया। आपके पास 3 सेकंड का ऑप्शन है आंसर देने के लिए। इसका आंसर है 21 मार्च को। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की। इसका मुख्य उद्देश्य वन संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाना है। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2020 की थीम क्या है, वन व शिक्षा। इसको मनाता कौन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जाता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना 28 नवंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पहली बार कब मनाया गया, 21 मार्च 2013 को मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन शीर्ष पर है। आपके पास 3 सेकंड का ऑप्शन आंसर देने के लिए। इसका आंसर है फिनलैंड। अब फिनलैंड की बात करते हैं, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, मुद्रा यूरो, प्रधानमंत्री सना मौरिन, वहां की जनसंख्या 55 लाख है। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट में पहले नंबर पे फिनलैंड है जो कि लगातार 3री बार आ रहा है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, तीसरे नंबर पर स्विट्ज़रलैंड है और भारत 144वें नंबर पर है, जो कि 2019 में 140 रैंक पे था, जो 4 अंक पायदान खिसक गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने COVID-19 इमरजेंसी फंड में $20,000 देने की पेशकश की? आपके पास 3 सेकंड का ऑप्शन है आंसर देने के लिए। इसका आंसर है मालदीव ने दिया है। अब मालदीव ने इसकी पेशकश की, तो मालदीव की राजधानी माले, मुद्रा मालदीव रुपया, राष्ट्रपति सोहिल है। अब बात करते हैं COVID-19 इमरजेंसी फंड की। इसमें 23 लाख अमेरिकी डॉलर आ चुका है और भारत ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का निश्चय किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने स्वावलंबन एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की? आपके पास 3 सेकंड का ऑप्शन है आंसर देने के लिए। इसका आंसर है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी पेशकश की है। अब बात करते हैं SIDBI के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद मुस्तफा सिडबी, ये 1995 बैच के IAS ऑफिसर हैं। SIDBI बैंक की स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल सन 1990 को। इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अब बात करते हैं SIDBI बैंक जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। इसने एक घोषणा की है, यह 1 मई 2020 से लखनऊ से प्रारंभ होगा और अंत वाराणसी में होगा। यह का लक्ष्य है 15 दिनों में 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करना और प्रारंभ लखनऊ से होते हुए 11 शहर के रास्ते अंत में वाराणसी में संपन्न होगा, जिसमें लखनऊ, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, अंत में वाराणसी शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के डेयरी सरकारी योजना लागू की है? आपके पास 3 सेकंड का ऑप्शन है आंसर देने के लिए। का आंसर है जम्मू कश्मीर ने। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन है? पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू है। अब बात करते हैं इस योजना की, डेयरी सरकारी योजना क्या है? डेयरी सरकारी योजना जम्मू कश्मीर में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना एक योजना है, जिसमें राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम इसमें सहयोग करेगा और इसकी सहयोग के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में डेयरी सरकारी योजना इसको स्थापित किया जाएगा। इस योजना में सरकार 50% ऋण देगी, जिसमें हिस्सेदारी 50% लाभार्थी सहकारिता समिति की होगी, 25% लाभार्थी को सब्सिडी तथा मालिक को 5% की हिस्सेदारी दी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में RBI ने अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए कितने करोड़ों का निवेश करने की घोषणा की? आपके पास 3 सेकंड का ऑप्शन है आंसर देने के लिए। इसका आंसर है 30 करोड़ रुपए को निवेश करने की योजना बनाई है, जो कि 15-15 हजार करोड़ के 2 किस्तों में निवेश किया जाएगा और नीलामी 25 मार्च से 30 मार्च तक की जाएगी। अब बात करते हैं RBI ने इसकी घोषणा की है। RBI का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935, मुख्यालय मुंबई, गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में पायलट शॉपिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपके पास 3 सेकंड का ऑप्शन है आंसर देने के लिए। का आंसर है बेंगलुरु में। अब यह घोषणा बेंगलुरु में किया गया, तो बेंगलुरु कर्नाटक में है, तो कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, राजधानी बेंगलुरु है, राज्यपाल वजुभाई बाला है। अब यह बात करते हैं घोषणा किसने की है। घोषणा केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबेर ईरानी ने की है और इनका लक्ष्य है हथकरघा और हाथ से बने उत्पादों को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने सी ऑफ जापान पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है? आपके पास 3 सेकंड का ऑप्शन है आंसर देने के लिए। इसका आंसर है उत्तर कोरिया ने। अब उत्तर कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, तो बात करते हैं उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योयांग है, मुद्रा उत्तर कोरियाई वॉन है, सर्वोच्च नेता किम जो उन है, जो कि वहाँ के तानाशाह हैं। अब बात करते हैं उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच डिवाइड लाइन की, जिसे 38 पैरेलल कहते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 8 डिग्री चैनल, जिसे पाक जल डमरू मंडल कहते हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच 49 पैरेलल लाइन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में COVID-19 से सबसे अधिक मौत वाला देश कौन बना है? आपके पास 3 सेकंड का ऑप्शन है आंसर देने के लिए।
इसका आंसर है इटली। अब यह इटली में सबसे ज्यादा मौत हुआ, तो बात करते हैं इटली की। इटली की राजधानी रोम, मुद्रा यूरोप, प्रधानमंत्री जी ए सेपे कांटे हैं। अब बात करते हैं इटली में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या कितनी हो गई है। कुल 4,825 हो गई है। मात्र 24 घंटे में 793 लोगों की मौत हुई है। और इटली में संक्रमित लोग हैं 53,568 लोग। अब बात करते हैं पूरी दुनिया में करीब करीब 11,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। और पूरी दुनिया में 2,75,000 से ज़्यादा लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस स्मार्टफोन कंपनी ने ऑनलाइन 2 से ज़्यादा फ़ोन की खरीद पर रोक लगा दी। आपके पास 3 सेकंड का ऑप्शन है आंसर देने के लिए। इसका आंसर है एप्पल कंपनी ने इस पर रोक लगा दी है। अब बात करते हैं एप्पल कंपनी की। इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1976 में हुई। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। इसके वर्तमान सीईओ टीम कुक है। अब बात करते हैं यह फैसला क्यों लिया गया। कोरोना वायरस के कारण चीन में सारे दुकानें बंद कर दी गई हैं एप्पल की, और इसी के मद्देनज़र जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए इसने यह फैसला लिया है। अब देखते हैं कल का क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन। हाल ही में सेफ हैंड चैलेंज किसने शुरू किया है। इसका आंसर है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत की है। बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन। हाल ही में आभासी G20 समिट कहाँ आयोजित किया गया। आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 के 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन सही है, और सही ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में डिटेल के साथ जरूर लिखें। ये रहे आज के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इसीलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से वीडियो बना सकूँ। तब तक मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।